हे गाइस, वेलकम टू डीएनआईएस क्लासेस। तो देखो, अब तक इस चैनल पर हमने क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। और पिछले वीडियो में हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया था, एक चैप्टर जिसमें हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। ये जो मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ है उसमें हमने माउंटेन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो माउंटेन के टाइप्स हमने देखे थे, कौन से टाइप थे। एक था इसमें फोल्ड माउंटेन, फिर था इसमें ब्लॉक माउंटेन, एंड और एक टाइप था वोल्केनिक माउंटेन। और इसके कुछ इंपॉर्टेंस हमने देखे थे पिछले वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एक और लैंडफॉर्म, ठीक है, जो है प्लेट्यू। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लैंडफॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेट्यू के बारे में। तो प्लेट्यू को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे हमने माउंटेन देखा था, माउंटेन कैसा था, लाइक दिस। ये क्या है? माउंटेन। ठीक है, ये इसका बेस था और ये जो अपर या फिर टॉप पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं हम इसे, पीक पॉइंट। शिखर, हिंदी में शिखर कहते हैं या फिर पीक पॉइंट, राइट। तो ये था माउंटेन। ठीक है, ऐसे ही प्लेट्यू अगर हम ड्रॉ करें तो प्लेट्यू कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये प्लेन सराउंडिंग एरिया, ठीक है, और प्लेट्यू इस टाइप से, ऐसे ये प्लेट्यू आएगा। तो इसमें क्या डिफरेंस है, अभी देखो, प्लेट्यू जो है वो फ्लैट लैंड है इसके टॉप पर। ठीक है, माउंटेन में क्या था, टॉप पर पीक। एंड प्लेट्यू में क्या है, प्लेट्यू में ये जो टॉप लैंड जिसे हम कहते हैं, इस इट इज कॉल्ड एज अ टेबल लैंड। एक टेबल की तरह ये प्लेन है। तो इसके वजह से इसे क्या कहेंगे हम, फ्लैट टॉप टेबल लैंड। ठीक है, एंड स्टैंडिंग अबोव सराउंडिंग एरिया। ऑब्वियसली ये जो सराउंडिंग एरिया है इसके ये हाइट में ही रहेगा, राइट। इसकी हाइट भी कितनी रहेगी, इसकी हाइट भी डिपेंड्स, कुछ 100 मीटर से सेवरल थाउजेंड मीटर तक इसकी हाइट रहती है। और इसकी जो ये साइड होती है, स्टीप साइड रहती है ऐसे। तो ये मोर वन और मोर साइड, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर दो है, इट मे पॉसिबल कुछ ऐसे इधर भी हो सकती है। ठीक है, इधर भी हो सकती है, ऐसा स्क्वेयर टाइप में हो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। तो प्लेटू की जो साइड्स होती है, वन और मोर विथ स्टीप स्लाइड, स्टीप स्लोप्स। ठीक है, सो द हाइट ऑफ प्लेट्यू इट वेराइज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर। प्लेट्यू की जो हाइट होती है ये कैसे रहती है, ये माउंटेन के जैसे ही कुछ 100 मीटर से सेवरल थाउजेंड मीटर तक वेराइज होती है। और जैसे माउंटेन होता है जिसमें यंग माउंटेन या फिर ओल्ड माउंटेन, यंग माउंटेन का एग्जाम्पल हमने देखा था हिमालय माउंटेन, ठीक है, देन ओल्ड माउंटेन का क्या था, अरावली, वैसे ही प्लेट्यूज में भी यंग और ओल्ड प्लेट्यू रहते हैं। ये जो है ये प्लेट्यू है। ठीक है, यहाँ पर ये जो साइड इसकी देखो, एक ऐसा स्लोप है, स्टीप है, एकदम ऐसा खड़ा हुआ ढाल की तरह। ठीक है, और ये जो टॉप एरिया है इट इज, ये ऐसा फ्लैट है। ठीक है, जैसे एक टेबल की तरह, टेबल लैंड इसे हम कहते हैं। तो ये प्लेट्यू है। ठीक है, ये भी एक प्लेट्यू है, एक टेबल की तरह दिखाई दे रहा है, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें इंडिया का एक डेक्कन प्लेटू आता है। इंडिया में एक्चुअली बहुत सारे हैं, ठीक है, बट डेक्कन प्लेटू ये जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू है डेक्कन प्लेटू। और एक एग्जाम्पल है ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू में ये तीन कंट्रीज आती है, केनिया, तंजानिया एंड युगांडा। एंड और एक है वेस्टर्न प्लेटू। ऐसे बहुत सारे प्लेटू है हमारे पूरे वर्ल्ड में। वेस्टर्न प्लेटू कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और एक तिबेट प्लेटू जो है, तिबेट एरिया में या फिर चाइना के एरिया में, ठीक है, वो जो है हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का। तिबेट प्लेटू ये जो है सबसे हाइट पर है, हाईएस्ट प्लेटू है पूरे दुनिया का। इसकी जो हाइट है ये रहती है 4000 से 6000 मीटर अबो मीन सी लेवल। देखो हाइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो पानी का लेवल जो होता है वो पूरे ऐसा सेम रहता है। जीरो से हम कंसिडर करते हैं, ओके, 0 मीटर से। सो जीरो से अगर हम कंसिडर करेंगे तो सी लेवल से ये 4000 to 6000। अभी प्लेटू हर जगह सेम तो नहीं रहेगा, ठीक है, एकदम ऐसा प्लेन, ठीक है, प्लेन है पर वो कंप्लीट ऐसा पूरा प्लेन नहीं रहेगा ना। तो ये कहीं तो भी प्लेन रहेगा, फिर कहीं तो भी ऐसा इसकी हाइट कम ज्यादा होती जाएंगी। तो ये एवरेज इसकी हाइट यहाँ पर दी है 4000 to 6000 मीटर तक। मैक्सिमम ही जाता है 6000 मीटर तक। तो ये क्या है, हाइएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का। ठीक है, देन कुछ इंपॉर्टेंस हम देखते हैं प्लेटू के। तो प्लेटू ये जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि इसमें मिनरल्स डिपॉजिट बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक
ओके, दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट. मिनरल्स कौन से मिनरल्स, जैसे कि गोल्ड है या फिर डायमंड है, आयरन है, कोल है, ठीक है, ऐसे जो मिनरल्स है ये बहुत ही ज्यादा रहते हैं प्लेट्यू में. इसका रिजल्ट क्या है, ये जो माइनिंग एरिया जो होते हैं, ओके, ऑब्वियसली अगर यहाँ पर मिनरल डिपॉजिट बहुत ज्यादा मिलेंगे तो माइनिंग एरियाज भी कहाँ पर होंगे, माइनिंग एरियाज भी प्लेट्यू में लोकेटेड होंगे, राइट. जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अफ्रीकन प्लेट्यू का एग्जांपल दिया है जो कि फेमस है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए, ठीक है. देन और एक एग्जांपल है इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू का, जिसमें आयरन है, कोल है, मैग्नीज है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा रिजर्व है इन सभी मिनरल्स के, कहाँ पर, छोटा नागपुर प्लेट्यू में. तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लोकेशन छोटा नागपुर प्लेट्यू की, ठीक है. ऐसे ये इधर डेक्कन प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, ठीक है. अगर पूरे हम देखें तो ये कंप्लीट जितने भी प्लेट्यूज है, ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू है, बघेलखंड प्लेट्यू, देन छोटा नागपुर प्लेट्यू, देन यहाँ पर ये शिलोंग प्लेट्यू, देन दंडकारण्य प्लेट्यू है, देन इधर तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, एंड ये जो है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है. तो ये सभी प्लेट्यूज है इंडिया के. तो और कुछ फीचर अगर हम इसमें देख सकते हैं प्लेट्यू के, तो देखो प्लेट्यू एरिया जो है इसमें बहुत सारे वाटरफॉल हम देख सकते हैं, बिकॉज रिवर फॉल से वाटरफॉल कैसे बनते हैं, रिवर से, राइट. तो अगर बहुत सी अगर इस हाइट से कुछ रिवर अगर फ्लो होती है और हाइट से अगर रिवर यहाँ पर ऐसे फ्लो नीचे गिरती है तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली वाटरफॉल क्रिएट होगा. तो ऐसे सेवरल वाटरफॉल हम देख सकते हैं प्लेट्यू के एरिया में, ठीक है. ऐसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि हुंडरू वाटरफॉल है जो बहता है, जो बनता है सुबर्णरेखा रिवर पर, और ये कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है. और एक एग्जाम्पल दिया है जोग फॉल जो है कर्नाटका में, ठीक है. देन अभी लावा प्लेट्यू एक यहाँ पर दिया है, तो लावा प्लेट्यू क्या होते हैं, लावा प्लेट्यू लावा से बनते हैं. लावा मतलब क्या, जमीन के अंदर जब रहता है तब वो मैग्मा होता है, ठीक है, और अगर जमीन से ये ऊपर आ जाए तो क्या बनेगा, उसे हम कहते हैं लावा. तो ये लावा जब ऐसे यहाँ पर फैलता है जमीन पर, ठीक है, वो ठंडा होने के बाद वहां पर एक सॉइल बनती है जिसे हम कहते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है. और ये जो सॉइल होती है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, एंड इट इज गुड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एंड ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है. ऐसे एग्जाम्पल कौन सा है लावा प्लेट्यू का, एग्जाम्पल है ये वाला डेक्कन प्लेट्यू जो कि लावा से बना है, ओके, लावा से जो सॉइल पूरी इससे लावा से बनी है, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है. और बहुत सारे जो प्लेट्यूज होते हैं, एक सीनारियो बहुत सारे इसमें रहते हैं, सीनिक स्पॉट जिसे हम कहते हैं, जो कि ग्रेट अट्रैक्शन होते हैं टूरिस्ट प्लेस के लिए, ओके. तो ये हो गया प्लेट्यू के बारे में. नाउ नेक्स्ट इज प्लेन. तो अभी प्लेन्स ये और एक लैंडफॉर्म है, ओके, थर्ड लैंडफॉर्म. तो प्लेन क्या होता है, अभी प्लेट्यू हमने माउंटेन देख लिया हमने, ठीक है, माउंटेन, देन हमने प्लेट्यू देख लिया. प्लेट्यू कैसा रहता है, ऐसे एक टेबल लाइक, ओके, ये हो गया प्लेट्यू. फिर अभी बचा क्या, अगर कुछ भी नहीं हो तो ये प्लेन्स हो गए ना यहाँ पर, ओके, प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया. और मैक्सिमम इसकी हाइट रहेगी 200 मीटर, ठीक है, या फिर 200 मीटर से नीचे जिसकी हाइट रहेगी उसे हम कहेंगे प्लेन एरिया, ओके, जो कि ऐसे लेवल एक रहता है, लेवल में रहता है, ओके, लेवल में मतलब किसके लेवल में रहेगा, सी लेवल में, ओके. तो प्लेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्लेन क्या होते हैं, प्लेन आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, ओके, एक बहुत बड़ा ऐसा पट्टा रहेगा किसका, फ्लैट लैंड का, कि हाइट जिस पर नहीं रहेंगी या फिर बहुत कम हाइट रहेंगी जो कि 200 मीटर से ज्यादा नहीं होगी, ओके. 200 मीटर हम कहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे, अबो मीन सी लेवल, राइट. देन सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, एक्सट्रीमली लेवल मतलब सी लेवल से एकदम वो प्लेन रहते हैं, कि सी लेवल से एकदम मैच करते हैं, ठीक है. देन मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी. तो देखो ऐसे जब ये रिवर फ्लो होती है, ठीक है, ये एक मेन रिवर है सपोज, ठीक है, ये ऐसे फ्लो हो रही है, तो जब ये रिवर फ्लो होती है तो ऐसे कुछ रिवर्स इसमें आकर मिल जाती है, ठीक है, तो वो अपना वाटर वहां पर कंट्रीब्यूट करती है, राइट. ये आएगी ना ऐसी रिवर्स, तो उसे हम कहेंगे उस रिवर की, जो ये जो मेन रिवर है इस रिवर की, ये क्या होंगी, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिब्यूटरी, राइट. तो इसकी वजह से भी कुछ प्लेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है. और ये जो प्लेन्स होते हैं उसे हम कहते हैं एलुवियल प्लेन्स,
ठीक है, देन द रिवर फ्लो डाउन स्लोप माउंटेन, स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। जब भी ऐसे माउंटेन से कोई रिवर फ्लो होती है, ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, माउंटेन से क्या होता है, माउंटेन से मोस्ट ऑफ द रिवर का ओरिजिन माउंटेन से होता है, राइट। तो यहां से अगर रिवर फ्लो होगी तो क्या होगा, ये रिवर इरोड करेंगी माउंटेन को, ओके, ये जो वाटर रहता है रिवर का, ये इरोड करेगा, इरोड करेगा मतलब ये तोड़ देगा उसे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जब टूटेगा तो अपने साथ ही सेडिमेंट्स लेके जाएगा, और सेडिमेंट्स कौन से, जैसे कि स्टोन्स है, सैंड है, ओके, स्लीट सैंड से भी जो छोटे रहते हैं, तो ये ऐसे पूरा ये लेके जाएगा, ठीक है, और ये कहीं तो डिपॉजिट करेगा ना, ठीक है, और ये जो जहां पर ये डिपॉजिट करेगा वैली होगी या फिर प्लेन एरिया होगा, तो ये जहां पर भी डिपॉजिट होंगे वहां पर प्लेन्स फॉर्म होंगे, ओके, जो रहते हैं जिसे हम कहते हैं एलुवियल प्लेन्स, ओके। सो ये जो डिपॉजिट करते हैं स्टोन सैंड, ओके, ये जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, ओके, ये कहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, या तो वैली में या फिर ये नीचे जब भी प्लेन एरिया रहता है, ओके, नीचे जहां पर भी ये डिपॉजिट करेंगे वहां पर प्लेन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये डिपॉजिट से क्या बन जाएंगे, ये डिपॉजिट से फॉर्म होते हैं प्लेन्स, ओके, इट फॉर्म्स दिस डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म, ठीक है। तो इस टाइप के ये से प्लेन्स रहेंगे, ठीक है, प्लेन एरिया जहां पर हम कल्टीवेशन के लिए ये मोस्ट यूजफुल ऐसा एरिया रहता है, ओके, प्लेन एरिया। तो प्लेन जो होते हैं कल्टीवेशन के लिए यूजफुल रहता है, मतलब ये क्या, इट इज वेरी फर्टाइल, ओके, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रहते हैं, और यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होगा, अगर ये एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल रहेगा, तो इट मीन्स क्या, ये एरिया बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड रहेगा, ओके, सो इसमें पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा ठीक रहेगा, मतलब पूरे जो भी लैंडफॉर्म है वर्ल्ड के, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन से लैंडफॉर्म पे रहेगा, प्लेन पे, ठीक है। देन द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय रिवर आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, और ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर एक एशिया का एग्जाम्पल दिया है, जो एशिया में प्लेन्स आर फॉर्म है, जो कि इंडिया में है, गंगा रिवर से बनते हैं, ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर से बनते हैं इंडिया में ही, या फिर यांगतेज रिवर से बनते हैं चाइना में, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ये एनसीईआरटी में दिए हैं। ये देखो यहाँ पर ये हमने देखा था पिछली बार, ये नदन प्लेन्स, ओके, ये गंगा, यहाँ पर गंगा यमुना रिवर्स और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ओके, उसकी वजह से ही यहाँ पर ऐसे ये प्लेन बनते हैं। इधर भी ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये प्लेन का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर भी ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इधर भी यहाँ पर ये प्लेन्स प्लेन का एरिया होगा, ओके, तो ये सभी इधर ये प्लेन्स फॉर्म होते हैं, किससे, रिवर्स से, ओके। सो ये जो प्लेन्स होते हैं, अगर यहाँ पर कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर यहाँ पर फर्टाइल एरिया है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मीन्स व्हाट, पॉपुलेशन ज्यादा है मीन्स व्हाट, यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन बहुत ही अच्छा है, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं, किसके लिए, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, मतलब ह्यूमन के रहने के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं, इसलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है, प्लेन पे, ठीक है। सो बहुत से ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन या फिर ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल हमें कहाँ पर दिखाई देता है, प्लेन्स पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाउसेस या फिर वेल, हम हाउसेस बहुत ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए ये एरिया बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है, और बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल होने की वजह से क्या होगा, सेम वही हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन, ओके, कल्टिवेशन के लिए ये एरिया बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, ओके, एंड इंडिया में भी जैसे कि इंडो गंगेटिक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा, ओके, इंडो गंगेटिक प्लेन, इट इज कॉल्ड एज अ नदन प्लेन, को ही हम इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं, ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर है ना यूपी बिहार वाला ये जो एरिया है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है यहाँ का, ठीक है, तो ये हो गया प्लेन के बारे में, ठीक है, तो हमने प्लेट्यू देखे, प्लेन देखे, और इसके पहले हमने माउंटेन्स भी कंप्लीट किए, तो इस तरह से यहाँ पर ये नेक्स्ट चैप्टर जो सेवंथ वाला चैप्टर, ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सेशन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर, अगले